दुसरी ईस्टर्न एक्सप्रेस वेवरील। तर गोविंद ठाकूर माझे सहकारी देखील आपल्यासोबत थेट जोडले गेलेत वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवरून। गोविंद, वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेवर देखील मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झालेली आहे। हो, बराबर है। आज सुबह से ही मुंबई उपनगर में तेज बारिश हो रही है, काले घने बादलों के साथ बरसात हो रही है, जिसका परिणाम आप वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर देख सकते हैं। या जोगेश्वरी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, गोरेगांव से लेकर अंधेरी तक खचाखच ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। लाइनें जो लगी है, गाड़ियों की कतारें लंबी दिखाई दे रही है। जहां तक आपकी नजरें जाएगी, आपको सिर्फ गाड़ी गाड़ी दिखेगी। इसमें हैरान कर देने वाली बात यह है कि घंटों से लोग इस ट्रैफिक में फंसे हुए। आज वीक का पहला दिन है, सबको समय पर काम पर जाना रहता है, लेकिन ट्रैफिक के कारण लोग इस ट्रैफिक में घंटों से फंसे हुए। गाड़ियां धीमी गति से रेंगती हुई चलती दिखाई दे रही है। रोड पे अंधेरा छाया हुआ है, सभी गाड़ियों का हेडलाइट चालू है और ये ट्रैफिक जोगेश्वरी गोरेगांव अंधेरी तक लगा हुआ बताया जा रहा है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर या बारिश के बाद जो ट्रैफिक है वो स्लो हो गई है। वैसे तो नॉर्मल रूट पर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर ट्रैफिक देखा जाता था, लेकिन आज ट्रैफिक कुछ ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहीं अगर जो वेस्टर्न रेलवे की बात की जाए तो वेस्टर्न रेलवे भी 5 से 6 मिनट देरी से चलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी तक कहीं जल जमाव जैसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे की जो परिस्थिति है, कहीं ना कहीं लोगों की मुंबई कर की धन्यवाद तुम्ही दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी। वाहतुकीला फटका बसलेल्या पावसाचा आणि याच सगळ्यामुळे वाहतूक धीम्या गतीने सुरू आहे।